easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I can't. It's so cold outside. I'm alone. तो और भैया क्या चल यार, तुम्हारा भैया चुका है नई वीडियो के साथ वापिस। और ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि अगर तुम लोग चाहते हो कि सिर्फ क्लचेस देखना पसंद करते हो तो भाई ये वीडियो सिर्फ तुम लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें इतने क्लचेस देखने को मिलेंगे आप लोगों को, तो मज़ा आ जाएगा। फिलहाल मैं उतर चुका था स्टेडियम में, और यहाँ पर तो फिलहाल एक बोट आता है जिसको मैं पहले मार देता हूँ, सारा टुक 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 करते रहते हैं। तो इस बोट को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और यहाँ पर रियल आए नहीं होते हैं तो भाई पूरा स्टेडियम मेरा ही होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे भाई भर भर के पहले लूट कर लेते, क्योंकि यार लूट रहेगी तभी ना आप लोगों को क्लचेस देखने को मिलेगा। और एक और चीज़, ये क्लच मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, इतने खतरनाक क्लच कर रखा हूँ मैं इस वीडियो में, कतई मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो फिलहाल सामने फाइट हो रही थी और मेरे को ऊपर दो बंदे दिखे, तो हालाँकि ये जो बंदे थे वो बोट को मार रहे थे, मतलब इतना दूर से बोट मारने आए थे ये लोग। तो इसके एक बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन मेरे को पता था भाई अगर वो लोग फायर करेंगे तो यहाँ पे मेरे को इजीली पेल देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कवर में चला जाता हूँ, और कवर में जाके भाई इनकी की ऐसी तैसी कर दूँगा। तो भाई इनके एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, और यही सही मौका था इन पे पुश करने का। और हालांकि मेरे को लग रहा था भाई ये पूरी स्क्वाड है, लेकिन ये तो सिर्फ दो बंदे थे जो भाई बोट मारने के लिए पता नहीं कहां से आ गए थे, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए थे ये लोग, मेरे को नहीं पता भाई। और मैंने इससे पूछा भी भाई कौन सी दुनिया से आए थे, लेकिन बताया नहीं लोगों ने। फिलहाल मैंने इन दोनों को मार दिया था, और तभी सामने से अब फायरिंग आ रही थी काफ़ी, दो स्क्वाड आपस में लड़ रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास मतलब एडवांटेज था एक तरीके थर्ड पार्टी करने का, क्योंकि मेरे को पता था भाई सब बंदे मतलब लो होंगे, लो डैमेज होंगे भाई, इन पे ये सही मौका था भाई कतई जहर वाला इन पे थर्ड पार्टी करने का। और मैं आता हूँ थर्ड पार्टी, लेकिन ये बंदा क्यों नहीं नॉक हुआ। और यहाँ पे इनके तीन बंदे नॉक कर दिए थे, और लास्ट बंदा भी आ चुका था। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ हील का, वैसे ही इस बंदे को भी मैं पेल देता हूँ। इसी के साथ ये स्कोर तो फिनिश हो जाती है। अगर आप लोगों को ये क्लच मतलब क्लच मेरे को पता है सबको अच्छा लगा होगा, और जिसको अच्छा भी लगे या ना लगे वो भी लाइक करके जरूर जाना यार, और साथ में सब्सक्राइब भी ठोक देना यार। पैसे वैसे थोड़ी ना लगते हैं इसके, ठोक दिया करो यार, तुम ठोकते नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो, ना लाइक ठोकते हो ना सब्सक्राइब, यार ठोक दिया करो। तो फिलहाल इनको तो मार दिया था, और यहाँ से मेरे को निकलना था, क्योंकि अभी और भी बंदे मारने थे तभी ना आपको क्लच देखने को मिलेगा। तो फिलहाल सामने स्टेडियम में बंदे आ चुके थे जो मेरे को नहीं पता था, और जब मैं आता हूँ स्टेडियम जब चेक करने तो मेरे को पता लगता है भाई, जैसे एक बंदा बैरल चलाता है ना भाई कतई मेरे को लगता है भाई बंदे आ गए हैं यहाँ पे। तो फिलहाल सामने मतलब पूरी स्क्वाड थी ये, और एक बंदा मेरे को दिखता है
झुक जा रहा था वाटर पूल में, और ये बंदा तो वाटर पूल चला जाता है। और मैं सोचता हूँ कि ना वाटर पूल वाले पे रश किया जाए, क्योंकि भाई ये सिर्फ अकेला है और बाकी जो इसके टीममेट हैं वो आएंगे, वो भी आएंगे, टेंशन मतलब वो भी आएंगे। फिलहाल मैं इस पे घुस जाता हूँ रश करने के लिए। तो फिलहाल इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और नॉक करके डायरेक्ट फिनिश भी कर देता हूँ। तभी इनके टीममेट की पूरी फट जाती है और वो लोग आ जाते हैं मेरे को मारने के लिए, कहते गुस्सा वस्सा हो रखे थे ये लोग। और एक बंदा आता है जो उस साइड चला जाता है, लेकिन दोबारा मेरे पास ही आएगा। कहते बालवीर भैया को तो मैं नॉक कर देता हूँ और बाकी जो इसके टीममेट है वो भी आ चुके थे यहीं पे। तो कुल मिला के यहाँ पे दो बंदे बचे हुए थे, एक को तो फिनिश कर चुका था और एक को नॉक। तो मेरे को पता था भाई वहीं पे जाएगा रिवाइव देने, और वो रिवाइव देने जा रहा था और मैंने नेड कुक किया। और ये जो नेड है ना, कतई 100 IQ वाला नेड है, क्योंकि मेरे पे ही आने वाला है। तो ये नेड तो फिलहाल मेरे पे ही आ चुका था। और इस बंदे को देखो जरा, और इस बंदे को लगा भाई मैं दूसरी साइड हूँ, तो भाई इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और इस बंदे को तो पूरा ही ले लेता हूँ, कतई बालवीर भैया को। और भाई ये भी स्क्वाड इजीली फिनिश हो जाती है। अगर हालांकि ये भी क्लच आपको पसंद आया हो, ये तो पक्का ही पसंद आया होगा यार, पसंद आया होगा तो फिर एक बार बोल रहा हूँ भाई लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो, अभी ठोक दो आप लोग। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी देर मतलब लूटता हूँ, क्योंकि यार लूट की बहुत कमी है अपने पे। हालांकि उतनी भी कमी नहीं है, लेकिन यार फिर भी यार क्या ही करें, टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और यहाँ पे एक बोट आया था, तो बोट को भी मार देता हूँ मैं। और इस बोट का भी मार देता हूँ। और भी मैं पेटी चेक कर रहा था भाई, क्या पता कुछ चीज़ मिल जाए, लेकिन यार यहाँ पे काफ़ी देर चेक कर चेक करके कतई मैं वो बन गया, क्या करते हैं जो बंदे लाशें वासे चेक नहीं करके क्या, फोरेंसिक डॉक्टर वो बन चुका था मैं। और यहाँ पे पूरा निकल गया मैं वहाँ से, क्योंकि यार मेरे को मतलब वहाँ पे ज़्यादा देर वेट नहीं करना था अब किसी का, क्योंकि वो जोन में भी नहीं था, तो यार कोई फ़ायदा था नहीं वहाँ पे। तो मैं आ जाता हूँ डाजिया लेके अपनी ये पिंक हाउस में। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मतलब सामने के टाइप फाइट होने लगती है, तो मैं आ जाता हूँ इसी पिंक हाउस में। और यहाँ पे आने के बाद से मैं कार पहले सही से लगा लूँ, क्योंकि यार मेरे को अगर भागना भी पड़े बाई चांस तो भाई कार सही सलामत होनी चाहिए, सही से लगनी चाहिए, और ये ना कि यहाँ पे 10 घंटे लग जाए भाई इसको मोड़ने में। तो फिलहाल सामने होती है 2 स्क्वाड, और 2 स्क्वाड का यार मेरा मतलब फ़ायदा था, मैं सोच रहा था भाई कब ये लोग फाइट ले और मैं इजीली इनको जब जोन में आया तो इजीली पेल दूँ, क्योंकि जोन के बाहर थे ये लोग और मैं भी तो था ही, लेकिन उतना नहीं था, मतलब पास में ही था मेरा जोन। और ये लोग कहते ओम ओम चला रहे थे यार, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वेट करना था मेरे को इन लोगों को मारने के लिए। तो यार कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। और इनके 2 बंदे नॉक कर दिया था। और ये देखो कतई लास्ट बंदा ऐसे ही आ रहा था, फिलहाल इसको भी पेल देता हूँ। और इसी के साथ हो जाता है मतलब चिकन तो नहीं होता है, अभी एक बंदा बचा हुआ है और इसको और भी इजीली पड़ जाती है। अगर आप लोग को M4+3X का स्प्रे अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक तो बनता है, इसके लिए तो लाइक बनता है यार। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपनी सेंसिविटी दिखाऊं तो बता दो यार कमेंट करके भाई, सेंसिविटी दिखा दे। तो फिलहाल जो लास्ट बंदा होता है वो भाई देखो यार ये इसी स्नाइपर टावर में होगा जहाँ से मैं अभी घूम के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहली बार तो गया था तो मिला नहीं है, अब दूसरी बार जाऊँगा तो भाई मिलेगा ये। तो भाई इसको भी इजीली पेल देता हूँ, और ये तो भाई अकेला ही था। और इसी के साथ हो जाता है एक और इजी गंडिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो का कर दिया जाएगा लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब यार, अभी क्या भी ठोक दो सब्सक्राइब, क्योंकि यार ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगी, हर रोज़ देखने को मिलेगी। तो यार सब्सक्राइब ठोको, सब्सक्राइब ठोको यार, सब्सक्राइब ठोक दो।